4 3 finite set, n of a is 34 and n of b is 41 and n of c is 52. N of a intersection b is 15 and n of b intersection c is 19 and n of c intersection a is 12. Then a possible value of n a union b union c. ठीक है, अब अगर यहां से इसके लिए मैं फार्मूला बताऊं, ठीक है, अगर ये तीन क्या है ए बी बी सी और सी ए का ये इंटरसेक्शन 15 19 और 12 है, ठीक है, तो अगर अपने पास क्या फार्मूला होता है, n क्या n डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है, तो n अगर मैं लिखूं n ऑफ a यूनियन b यूनियन c, तो इसके लिए फार्मूला अपने पास क्या होता है, n ऑफ a सेट a में जितने एलिमेंट होंगे प्लस सेट b में जितने एलिमेंट होंगे प्लस सेट c में जितने एलिमेंट होंगे माइनस एलिमेंट ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c एंड माइनस एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c, और अपन इसमें ऐड कर देते हैं फाइनली n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो ये बेसिकली इसके लिए फार्मूला होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से बोलूं सेट ऑफ a और सेट ऑफ b सेट ऑफ c माइनस सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b सेट ऑफ b इंटरसेक्शन p एंड सेट ऑफ a इंटरसेक्शन c, इसकी वैल्यू इन्होंने गिवन है, तो इसकी वैल्यू लेट्स अगर मैं यहां पे पुट करूं, ठीक है, ये क्या है सेट ऑफ एलिमेंट इन a क्या है 34 प्लस सेट ऑफ एलिमेंट इन b कितना है ये 41 है प्लस c में कितने एलिमेंट्स है 52 माइनस a इंटरसेक्शन b में क्या है 15 माइनस b इंटरसेक्शन c में क्या है 19 माइनस c इंटरसेक्शन a में क्या है 12 और माइनस इसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है प्लस आ गया a सेट ऑफ एलिमेंट इन क्या a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब अगर मैं यहां से वेन डायग्राम में अपन अगर देखें तो ये जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होगा इसमें सबसे लेस नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, अगर लेट्स से मैं इसको सॉल्व करूं इन दोनों को ऐड करके उसको सबट्रैक्ट करूं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा तो इन दोनों को ऐड करते ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 माइनस, और इन दोनों को अगर मैं यहां से सबट्रैक्ट करके देखूं तो ये कितना आ जाएगा 15 है माइनस का और ये है 19 का 19 प्लस ये क्या है 12 है, तो ये एप्रोक्सीमेट ये वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको ऐड करूं ये आ जाएगा माइनस का 46 और प्लस क्या आ जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो ये अपने पास ये रिजल्ट्स आ जाएगा। अब 127 माइनस अगर मैं 127 माइनस 46 कर दूं ये वैल्यू क्या आ जाएगा 126 माइनस 46 तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 81, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 81 आ जाएगा 81 प्लस सेट ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं ये जो वैल्यूज होगा ए इंटरसेक्शन जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि ए बी और सी तीनों में कॉमन होगा वो एलिमेंट जो होगा इंडिविजुअली दो के इंटरसेक्शन से लेस ही होगा, अगर मैं यहाँ पे इसे वेन डायग्राम बना के तीन सेट को अगर इंटरसेक्टिंग सेट बना दूं यहाँ पे लेट्स से ये क्या है ये अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है, ये अपना यूनिवर्सल सेट होगा और तीन इंटरसेक्टिंग सेट्स क्योंकि इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से ये वैल्यू देखूँ तो अब अपन क्या देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन हो रहा है दो सेट का, इसे मैं ए बोल दूँ इसे बी बोल दूँ इसे सी बोल दूँ, ये इंटरसेक्शन जो ए बी का है बी सी का है और सी ए का है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी वो उससे लेस ही हो रहा होता है और जो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो उससे भी और लेस होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो तीनों में हो सेट ए सेट बी सेट सी में तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बहुत कम है। अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन वैल्यू देखूँ तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 15 है और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 19 है और सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है 12 है, तो अपन क्या बोल सकते हैं जो इसकी वैल्यू होगी एन इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी उसकी वैल्यू इन तीनों के इंटरसेक्शन की इंडिविजुअल वैल्यू से लेस या इक्वल्स हो सकती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो जो है सी इंटरसेक्शन ए के इक्वल्स हो सकती है, मतलब ये वैल्यू जो है ये 1281 प्लस इसको इसकी वैल्यू सी इंटरसेक्शन ए के इक्वल्स हो सकती है अगर ए और बी का ये इन दोनों का यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो सकती है 12 हो सकती है, ठीक है, ये 12 हो सकती है इसकी वैल्यू, तो अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन यही वैल्यू हो जाएगा 12 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 93। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था द वैल्यू और पॉसिबल वैल्यू, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का पॉसिबल वैल्यूज बताना है, तो पॉसिबल वैल्यूज 93 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बट अगर यहाँ से देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या थी 12 थी, ठीक है, तो अगर सी और ए और सी का इंटरसेक्शन 12 था तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अपन 12 भी एज्यूम कर सकते हैं या अपन 19 भी एज्यूम कर सकते हैं, तो अगर अपन 19 एज्यूम करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू 100 भी हो सकती है, ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे बी और डी दोनों हो सकता है, ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस
अपन डिपेंड करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है ना, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों सेट में कॉमन है, उस पर डिपेंड करेगा एक्चुअली इसकी वैल्यू जो ए यूनियन बी यूनियन सी की है, ठीक है। तो अपना आंसर अगर बोलूँ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस इज, तो अगर अपन ले सकते हैं 93, और अदरवाइज अगर मोर देन वन करेक्ट होगा तो अपन 19 भी ले सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 19, तो वहाँ पे 100 भी आंसर आ सकता है, ठीक है।